राधिका कुकहाउस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली आने ही वाली है। दिवाली में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती हैं, शॉपिंग, घर की सजावट, डिफरेंट प्रकार के नमकीन्स और मिठाइयाँ। तो चलिए हम भी राधिका कुकहाउस में दिवाली मनाते हैं और दिवाली की स्पेशल मिठाइयाँ बनाते हैं। तो आज की मेरी रेसिपी है एक विशेष प्रकार की बर्फी, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, कोकोनट ब्रेड बर्फी। तो चलिए बनाते हैं। मैंने ये 5 ब्रेड के साइज स्लाइस लिए हैं। मैंने वाइट ब्रेड लिया है। आप अगर आपको हेल्थ की चिंता है तो आप ब्राउन ब्रेड ले सकती हैं, लेकिन उसमें बर्फी का कलर ब्राउन हो जाएगा। मुझे वाइट कलर की बर्फी चाहिए थी, इसलिए मैंने वाइट ब्रेड लिया है। इसके आप किनार काट लीजिए और इसे मिक्सर में पीस लीजिए। मैंने ऑलरेडी ये मिक्सर में पीस लिया है। ये तकरीबन 1 कप हो जाता है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसमें ये जो ब्रेड का चूरा हमने किया है तकरीबन 1 कप, इसे डाल लेंगे। और मैंने ये दूध लिया है, ये 1/2 कप दूध है, मतलब 1 कप ब्रेड का चूरा, 1/2 कप दूध, ये डाल दीजिए और इसे मिक्स कर दीजिए और इसे एक साइड में रख दीजिए। अब हम शक्कर और नारियल की चाशनी बना लेंगे। तो बर्फी बनाने के लिए हम सबसे पहले नारियल और शक्कर को पैन में लेके उसका पाक तैयार कर लेंगे। मैंने 1/2 नारियल लिया है, मतलब 1 कप, जिसका मैंने ऊपर से छिलका निकाल दिया है। इस तरह से आप नारियल को के टुकड़े का इस तरह से आप छिलका निकाल दीजिए। ये देखिए ऐसे इस तरह से पूरे नारियल का आप ऊपर का भाग जो है वो निकाल दीजिए। तो मैंने ये ऐसा इस तरह से कर लिया है। ये 1/2 नारियल है, मतलब 1 कप इसको मैंने खिसनी से खिस लिया है, तो ये 1 कप हो चुका है इसका चूरा। तो मैं इसे पहले एक पैन, मैंने यहाँ गैस पे एक पैन रखा है, उसे गरम हो गया है पैन हमारा। इस पे मैं ये नारियल डाल दूँगी। मैंने ये शक्कर लिया है, ये 1/2 कप शक्कर है, इसे भी मैं इस पैन में डाल दूँगी। 1 कप नारियल का चूरा, उसमें 1/2 कप शक्कर, इसे आप थोड़ा गैस को मीडियम कर दीजिए और इसे अच्छे से पका लीजिए कि जब तक ये शक्कर घुल ना जाए। मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है गैस का फ्लेम। तो हमारा ये जो शक्कर है वो पूरी तरह से नारियल में घुल चुका है, मेल्ट हो गया है। देखिए, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम जो ब्रेड का चूरा है जिसे हमने दूध में भिगा के रखा है उसे डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो हमें इसे तब तक चलाते रहना है जब तक ये अच्छी तरह से घुल ना जाए और ये जो मिश्रण है हमारा कढ़ाई छोड़ने ना लगे। देखिए, अब ये थोड़ा थोड़ा कढ़ाई छोड़ रहा है मिश्रण, ये देखिए अलग हो रहा है। अब इसमें हम ये टुकड़ा काजू डाल देंगे। मैंने 5 से 6 काजू लिया है और इसे टुकड़ों में काट लिया है, इसे डाल दीजिए और फिर से हिलाइए। ये मैंने इलायची पाउडर ली है, थोड़ी सी इलायची पाउडर डाल दीजिए इसे सुगंध के लिए। और 1 से 1.5 छोटी चम्मच घी डाल दीजिए, शुद्ध घी। दो छोटी चम्मच मैंने घी डाल दिया है और इसे फिर से हिलाइए। अभी हमारा बर्फी तैयार होने को ही आया है, बर्फी का मिश्रण। तो जब तक ये पक रहा है लास्ट, तो मैंने एक ट्रे ले लिया, उस पर मैंने बटर पेपर लगा दिया है और उस पर थोड़ा सा घी हम ग्रीस कर लेंगे। देखिए, आप एक थाली भी ले सकते हैं और थाली में इस तरह से घी लगा सकते हैं अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो। मेरे पास बटर पेपर था तो मैंने बटर पेपर का यूज़ कर लिया है। इससे बर्फ़ी जो है आसानी से बाहर आ जाती है, निकालने में उसे आसान होता है। तो देखिए, ये हमारा बर्फ़ी का मिश्रण तैयार हो चुका है, लगभग तैयार हो गया है। आप इसके लिए इस तरह से हाथ में इसे लेके, अगर आप देखिए, अगर ये आपका अच्छे से ऐसे गोला हो रहा है, देखिए गोल तैयार हो रहा है, मतलब बर्फ़ी का हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो मैंने ये गैस बंद कर दिया और इस मिश्रण को मैं इस घी लगे हुए ट्रे में डाल देती हूँ। ये देखिए, इसे आप इस तरह से ट्रे में फैला दीजिए। मेरे चम्मच में चिपक रहा है, आप चाहे तो एक चम्मच में ऊपर से घी लगा के फिर उस पर इस तरह से दबाइए तो ये चिपकेगा नहीं। ये देखिए,
ये मैंने ऐसे फैला दिया है। अब इस पे हम ये काजू पिस्ता और बादाम का मैंने ये छोटे छोटे पतले पतले टुकड़े बनाए हैं वो डाल देंगे, उससे हम इसे गार्निश कर लेंगे इस तरह से। तो लीजिए तैयार है हमारी बर्फ़ी। इसे हम पहले रूम टेम्परेचर में आने देंगे और उसके बाद एक घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे और उसके बाद इसके टुकड़े कर लेंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई थॉट्स या आपको कोई रेसिपी जाननी हो तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए। हैव ए हैप्पी एंड सेफ दिवाली। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खुश रहिए।